हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक और नया नियुक्ति आ गई है, जिनके माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर और कक्ष सेवक दोनों की नियुक्ति की जानी है। जिनके लिए बता दूं क्वालिफिकेशन 10th और 12th पास है। साथ ही दोस्तों, इनके लिए आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देकर के आपको ज्वाइनिंग करना है, जिनका इंटरव्यू डेट 7/6/2021 रखा गया है। साथ ही दोस्तों, इसका सैलरी कितना रहेगा, डॉक्यूमेंट कौन सा ले जाना पड़ेगा इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में जाना कहाँ है, ये सबसे बड़ी मैटर है। सारा चीज़ इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्स में जानते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं बता दूं, अभी COVID-19 को रोकथाम के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग में भर्तियाँ की जा रही है। इसी बीच जिला स्वास्थ्य समिति अररिया यानी कि सदर अस्पताल अररिया जिला की तरफ से एक और नया रिक्वायरमेंट के लिए नोटिस आया है, जो हम बता दूं कि हायर बेसिस के आधार पर है, यानी कि कार्य के अनुसार उसे रिक्वायरमेंट पूरा किया जा रहा है। डिटेल्स में जानते हैं इसको। जिला अंतर्गत कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए कोरोना वायरस COVID-19 को नियंत्रण के लिए जिला स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के पत्रांक संख्या इतना के अनुसार, बिहार सरकार का पत्रांक इतना के अनुसार 27/5/2021 में निर्देशित दिनांक 27/7/2021 तक के लिए निर्धारित दैनिक वेतन दे के आधार पर आपको नियुक्त किए जाएंगे। यानी कि एक बार बता दूं फिर से, 27/5 से लेकर के 26/7/2021 तक के लिए आपको दैनिक मानदेय के आधार पर, यानी कि प्रतिदिन के मानदेय के वेतन के आधार पर आपको बहाली किए जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको फिर से बता दूं, इसके लिए जो आपको इंटरव्यू देने के लिए जो जाना है, वो 7/6/2021 को इंटरव्यू देने के लिए जाना है जिला स्वास्थ्य समिति अररिया सदर अस्पताल अररिया सिविल सर्जन के कार्यालय में आपको जाना है। जानते हैं डिटेल्स में इस वैकेंसी को, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, सारा चीज़। जैसे कि हम बता दूं आपको, इसमें हम डाटा एंट्री ऑपरेटर और कक्ष सेवक की बात किए हैं, तो हम आपको बता दूं डायरेक्ट यहां पर आकर के डाटा एंट्री ऑपरेटर की टोटल पोस्ट की बात करें तो 40 टोटल पोस्ट है। कैटेगरी वाइज भी आप इस पोस्ट को देख सकते हैं, जैसे कि ये जनरल की सीट है, जनरल में जैसे कि 9 सीट है, उसी तरह से सारे कैटेगरी का सीट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, 10th लेवल पर एक और जॉब निकला हुआ है, कक्ष सेवक, जिनकी टोटल वैकेंसी की बात करें तो 30 वैकेंसी है। तो ये दोनों पोस्ट अभी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुआ। जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास होना चाहिए, इंग्लिश में अगर आपकी 20 की स्पीड है, और हिंदी में अगर आपकी 20 की स्पीड है और इंग्लिश में अगर आपको 30 की स्पीड है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए इंटरव्यू देने जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है, हिंदी में आपको 20 की स्पीड होना चाहिए और इंग्लिश में आपको 30 की स्पीड होना चाहिए। कक्ष सेवक जो कि जिसकी वैकेंसी 30 है, 10वीं पास होना चाहिए, न्यूनतम मैट्रिक पास है, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अररिया डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर जाकर के। साथ ही कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, हम लिंक डाल देंगे। दोस्तों, एक बात बता दूं, इंटरव्यू में जाने के लिए क्या जरूरी है। इंटरव्यू में जाने के लिए आपके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप मैट्रिक पास है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर पास होंगे तो इंटर का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन पास होंगे तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी सर्टिफिकेट है उसका फोटोकॉपी करवा कर ले जाएंगे। साथ ही अपना निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, सारा का अपना उसका फोटोकॉपी करवा करके, खुद उस पर सिग्नेचर करके और 2 फोटो ले लीजिएगा, उसके बाद आपको जाना है। साथ ही दोस्तों, इसके लिए उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखा गया, अधिकतम 55 वर्ष। इस बीच वाले जो भी कैंडिडेट है, इसके लिए आप जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। साथ ही दोस्तों, फिर से बता दूं ये कि हायर बेसिस पर पूर्णता अस्थायी है, जो कि 26/7/2021 तक के लिए स्वास्थ्य समिति अररिया की तरफ से आपको ये नोटिफिकेशन जारी है, इतना दिन तक के लिए आपको हायर किया जा रहा है। फिर से बता दूं, इंटरव्यू आपको 7/6/2021 को जाना है, 10:04:30 तक इंटरव्यू चलेगा, पंजीकरण कराएंगे, पंजीकरण करवा करके वहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद बता दूं, आवेदन का पद निर्माण सारा चीज़ आवेदन पत्र पर अपना स्पष्ट रूप से लिखेंगे। साथ ही दोस्तों, इंटरव्यू में जाने के लिए, साक्षात्कार में भाग लेने के लिए किसी प्रकार का ट्रेवलिंग अलाउंस यानी कि भाड़ा, किराया, खाने पीने के लिए कोई भी खर्च नहीं दिया जाएगा। आपको बता दूं, आप जो आवेदन करेंगे उसमें ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर जो भी देंगे, वो आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर लिखना है, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर या एसएमएस के माध्यम से ही दिया जाएगा, इसलिए सारा डिटेल्स अच्छा से भरेंगे। तो शायद अब आप लोग समझ गए होंगे इस वैकेंसी के बारे में। फिर से बता दूं, यहां पर इंटरव्यू समाहरणालय कक्ष समाहरणालय परिसर अररिया में जाना है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है समाहरणालय सभाकक्ष समाहरणालय परिसर अररिया, यानी कि आपको मजिस्ट्रेट ऑफिस जिसे कहते हैं, वहाँ पर जाकर के आप इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। दोस्तों, तो देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन, इसी टाइप का सारा जब आपको मिलता रहेगा। ये नोटिफिकेशन आप लोग अररिया डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, हम ऐसे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।